हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे CRI की मोटर के बारे में और हम जानेंगे CRI मोटर का डाटा। जी हाँ दोस्तों, ये CRI कंपनी की मोटर है जो कि ड्यूटी S1 और सिंगल फेस में, डबल फेस में चलने वाली मोटर है। आप इसे सिंगल फेस में भी चला सकते हैं और डबल फेस में भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस मोटर का वाइंडिंग डाटा जानेंगे। दोस्तों, मैंने इस मोटर को रिवाइंड करके कंप्लीट कर लिया है और आज मैं इस मोटर का आपको डाटा बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। दोस्तों, अभी फ़िलहाल बहुत सीज़न चल रहा है, फिर भी दोस्तों हम लोग आपके लिए टाइम निकाल करके वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करके पूरा कंप्लीट करके दोस्तों एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर दोस्तों आपके अगर जो भी साथी हैं उनको अगर वो भी अगर वाइंडिंग का डाटा जानना चाहते हैं या फिर वाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दोस्तों CRI कंपनी की मोटर है और इसे हमने रिवाइंड करके कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मोटर को। दोस्तों, मैंने अभी अभी दोस्तों करीबन एक आध घंटा हो गया है और मैंने इसमें इंसुलेशन करके इसे कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों मैं इसका आपको वाइंडिंग डाटा बता देता हूँ। दोस्तों, यह CRI कंपनी की मोटर है जो कि इसका मॉडल है ACM सीरीज़ की ये मोटर है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, मैंने फटाफट सब नोट करके लिख लिया है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, वैसे आप नोट कर सकते हैं और आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगी कि स्क्रीन में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको स्क्रीन में चल रहा होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों, इसका जो स्टैम्पिंग साइज है 11.2 सेंटीमीटर लगभग है और इसका इनर डायर है दोस्तों, इसे हम ID भी कहते हैं, 7.2 सेंटीमीटर। और इसका आउटर डायर जो कि OD, इसका दोस्तों 16 सेंटीमीटर इसका आउटर डायर है। दोस्तों, इसके लगभग में आप नोट कीजिए, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट यहाँ वहाँ हो सकता है। अब दोस्तों, ये भी 4-2 का सेट बना हुआ है इस मोटर में भी, तो आप 4-2 की वाइंडिंग कीजिए। मैंने आपको बताया कि 4-2 का सेट क्या होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम रनिंग डाटा की। दोस्तों, इसमें हमने 21+22 नंबर वायर से, डबल वायर से ये वाइंडिंग हुई है। दोस्तों, 21+22 से इसमें हमने 1-6 में 34 टर्न डाले हुए हैं और 1-8 में हमने 34 टर्न डाले हुए हैं और 1-10 में भी 34 और 1-12 में भी हमने 34 टर्न लगाए हुए हैं। दोस्तों, ये 34 टर्न हैं। अब इन्हें अब 21+22 SWG से ये वाइंडिंग हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों रनिंग वायर, हमने जो कि रनिंग कॉइल में टोटल वायर इस्तेमाल हुआ है 1 किलो 150 ग्राम वायर इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, आप 50 ग्राम ज़्यादा ही मंगवाइए, 100 ग्राम एक्चुअली में क्या होता है ना कि कभी कभी कॉइल बढ़ जाती हैं तो थोड़ा बहुत वायर बढ़ जाता है इस कारण से। अब बात करते हैं दोस्तों हम स्टार्टिंग डाटा की। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया हुआ है डबल वाइस से, हमने बनाया हुआ है स्टार्टिंग की कॉइलें जो कि 22+22 इसका SWG है। और दोस्तों, इसकी पिच रहेगी 1-10, 1-12 और 1-10 में हमने 41 टर्न दिए हुए हैं और 1-12 में भी दोस्तों हमने 41 टर्न दिए हुए हैं। और दोस्तों, इसमें हमने वायर का इस्तेमाल किया हुआ है, टोटल वजन जो कि स्टार्टिंग वायर का वजन रहेगा 700 ग्राम वायर लगा हुआ है। दोस्तों, आप 750 या 800 ग्राम वायर को खरीदिए जिससे कि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है या फिर कॉइल बड़ी होने के कारण। दोस्तों, इसमें हमने 7 नंबर PVC पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है और इस तरह मोटर कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, हमने भी वायर को निकाल कर कम्प्लीट कर दिए। दोस्तों, 4 लीड को आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ इसमें 40 mAh का कैपेसिटर यूज़ होगा। इस प्रकार दोस्तों मोटर बनके कंप्लीट हो जाती है। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्यूरीज हो, जो भी समस्याएं आ रही हो आपको दोस्तों वाइंडिंग करने में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपकी कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा और हमेशा देते आ रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग से यही कहूंगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, इसी तरह आपका सपोर्ट बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको किसी भी चैप्टर या फिर किसी भी मोटर के वाइंडिंग डाटा की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।